हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही ऑल नोटिफिकेशन पे भी जरूर क्लिक करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर पाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको पट्टी बना के बताने वाली हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमें गोल कर लेना है और इसे बांध लेना है। देखिए किस तरह से, इस तरह से हाथ पर हमें पहले लपेट लेना है इस तरह से, उसके बाद हमें एक हाथ से इस तरह से पकड़ लेना है और इसे बांध लेना है। यहाँ देखिए एक चैन लेके, उसके बाद हमें क्या करना है, एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद हमें ये जो हमने बड़ा सा फंदा लिया था उसके अंदर से हमें एक फंदा लेना है और इसे बांध लेना है। फिर हम दूसरा फंदा लेंगे और फिर हमें इसे बांध लेना है, तीन तीसरा फंदा लेके बांध लेना है, चार पांच, उसके बाद पांच हमने ले लिया और इसे हमने टाइट करके बांध लिया। पांच लेने के बाद हमें एक दो, दो चैन लेना है और ये जो हमने फंदा लिया था, ये जो हमने फंदा लिया इसके अंदर से हमें यहाँ से निकालना है। देखिए यहाँ हम इसे टाइट करके बांध लेंगे इस तरह से, उसके बाद यहाँ से हम चैन लेंगे, एक दो, दो चैन लेंगे और ऊपर वाले फंदे के अंदर से निकालेंगे, एक फंदा देखिए यहाँ, दो तीन मैंने इसमें मोटा वाला कुरुस का यूज किया है और मोटा ऊन भी है इसमें। चार और पांच, इसे भी हमें बांध लें, डबल क्रोशिया कर लेना है, पांच और ये छः है। उसके बाद हमें दो चैन लेना है और दो चैन लेने के बाद हमें जहाँ पे गैपिंग है वहाँ पे हमें इसे पहले बांध लेंगे अच्छे से। उसके बाद हमें इसे पलट लेना है और हमें फिर दो चैन लेना है और ये जो गैपिंग दो चैन का बना था नीचे उसके अंदर से हमें फिर फंदा लेना है, एक फंदा इस तरह से, दो फंदा, तीन, चार पांच, पांच लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ देखिए पांच छः, सात उसके बाद दो चैन लेना है और यहाँ पे हम इसे बांध लेंगे नीचे टाइट करके। उसके बाद फिर हमें इसे पलट लेना है और फिर हमें दो चैन लेना है और फिर यहाँ से हमें फंदा निकालना है, पांच या छः, आप चाहे तो सात अपने हिसाब से फंदा रख लें। इसे भी हम बांध लेंगे, तो इस तरह से करके दो जो दो चैन जो लेके हम टाइट कर रहे हैं उसके अंदर से हमें फंदा निकालना है और उसे डबल क्रोशिया करके बांध लेना है।
ज़्यादा फंदा लेंगे तो इसकी चौड़ाई अच्छी होगी। दो चैन लें और फिर इसे हम टाइट करके बांध लेंगे। तो आप देखिए,
देखिए इस तरह से हमें सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें इसे जितना बड़ा बनाना होगा हम उतना बड़ा इसे बना लेंगे। तो हमारा ये कुछ न्यू डिज़ाइन का पट्टी रेडी होगा। तो दोस्तों इस तरह आप ट्राई ज़रूर करें। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।